अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का जो हमारा यूनिट है यूनिट नंबर 3 है और गोल्स ऑफ नर्सिंग एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे और इम्पोर्टेंट पीपीटी है और गुड पीपीटी। इसमें जो कंटेंट है पीपीटी में वो बहुत अच्छा है, तो वीडियो को काइंडली आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो बीएसएन फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए है। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं गोल्स ऑफ नर्सिंग एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स हैं। हम बेसिक ह्यूमन नीड्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बेसिस ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस के बारे में कि जो नर्सिंग प्रैक्टिस की फाउंडेशन है वो क्या है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे WHO के बारे में जिसे हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर जेनेरिक BSN प्रोग्राम के लिए कि जो इसका फ्रेमवर्क है उसमें चंद थिंग्स आती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर नर्सिंग एंड नर्सिंग प्रैक्टिस के बारे में डिस्कस करेंगे और नर्सिंग प्रोसेस के गोल क्या हैं, एम्स क्या हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसी तरह से हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं नर्सिंग एंड नर्सिंग प्रैक्टिस। स्टूडेंट्स एक्चुअली में नर्सिंग एंड नर्सिंग प्रैक्टिस में ये है कि जो पेशेंट होता है ना वो सेंट्रल फोकस होता है नर्स के लिए। अब पेशेंट क्या होता है, पेशेंट होता है द पर्सन रिसीविंग केयर, वो पर्सन जो केयर रिसीव कर रहा हो वो पेशेंट होता है। तो सेंट्रल फोकस क्या है नर्सिस का, पेशेंट है। तो इसमें चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं फिजिकल इमोशनल सोशल एंड स्पिरिचुअल डायमेंशंस ऑफ दैट पर्सन। इसके बाद हम बात करें नर्सिंग कॉन्सेप्ट और डेफिनेशंस जो है वो एक्सपेंडेड हो चुकी हैं। क्यों हो चुकी हैं, क्योंकि उसमें प्रिवेंशन ऑफ इलनेस आता है, प्रमोशन आता है और मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ आता है। और मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ किसकी करनी है, हमने जो हेल्थ है वो इंडिविजुअल्स की, फैमिलीज की और कम्युनिटीज़ की बरकरार रखनी है। प्रिवेंशन ऑफ इलनेस के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे और प्रमोशन के बारे में भी। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट में चलते हैं एम्स ऑफ नर्सिंग। 4 एम्स ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस है, टू प्रमोट हेल्थ, टू प्रिवेंट इलनेस, टू रिस्टोर हेल्थ, टू फैसिलिटेट कोपिंग विद डिसएबिलिटी और डेथ। तो स्टूडेंट्स ये हैं हमारे 4 एम्स ऑफ नर्सिंग। तो काइंडली आपने रिमेंबर कर लेना है कि एम्स ऑफ नर्सिंग कितने हैं, तो 4 हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स आपने कन्फ्यूज नहीं होना, मैंने एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड की है कि अगर एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं कि नर्सिंग प्रैक्टिस के कितने एरियाज़ हैं, तो 4 एरियाज़ हैं। अगर एम्स के बारे में पूछते हैं तो वो भी 4 हैं। स्टेटमेंट चेंज हो जाती है लेकिन जो आंसर है वो हमारा सेम रहता है। तो नर्सिंग प्रैक्टिस 4 एरियाज़ या 4 एम्स वो यही हैं, ये है। इसके बाद है हमारा प्रमोटिंग हेल्थ। तो स्टूडेंट्स जो नर्स है उसने हेल्थ को प्रमोट किस तरह से करना है, तो बेसिकली हम बात करें तो जो प्रमोटिंग हेल्थ है इसमें मेनली जो है वो एजुकेशन है। ठीक है, मेनली एजुकेशन है। फॉर एग्जांपल नर्सिस स्पेंड द मोस्ट टाइम विद द पेशेंट एंड प्रोवाइड एंटीसिपेटरी गाइडेंस। नर्सिस जो है वो पेशेंट के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करती हैं। तो नर्सिस क्या करती हैं, पेशेंट को एंटीसिपेटरी गाइडेंस देती हैं। एंटीसिपेटरी गाइडेंस में आ जाता है कि COVID-19 आ गया था तो नर्सिस कहेगी कि आप वैक्सीनेशन लगवाओ, सही है। तो इसके अलावा न्यूट्रिशंस वगैरह के लिए, डाइट्री के लिए, मेडिकेशंस एंड सेफ्टी के लिए। तो बेसिकली इसमें क्या आ जाएगा, एजुकेशन आ जाएंगे। तो जो नर्सिस होती हैं वो प्रमोशन, जो हेल्थ प्रमोशन टास्क होता है उसको बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करती हैं। किस तरह से वो हेल्थ प्रमोशन टास्क को परफॉर्म करती हैं उसमें आ जाता है असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल। असेसमेंट क्या है,
असेसमेंट के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जनरल ओवरव्यू दे देता हूँ कि असेसमेंट होता ये है कि इसमें हम कलेक्शन ऑफ डेटा करते हैं। मतलब कोई पर्सन हमारे पास आता है, पेशेंट आ जाता है, तो हम उसका डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। उसमें डेटा में सब कुछ आ जाता है। और कम्युनिटी नीड्स, हम उसकी कम्युनिटी नीड्स देखते हैं, एजुकेशन करते हैं उसकी, जो मेन प्रमोटिंग हेल्थ है हमारी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, एवलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स टू हेल्प रिड्यूस प्रीमैच्योर डेथ। इसमें हम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स करेंगे, मतलब उसके फाइनेंस पर हम गौर करेंगे कि वो फाइनेंशियली इस काबिल नहीं है कि उसका ट्रीटमेंट जो है वो काफ़ी कॉस्टली हो सके। तो हम उसको रिकमेंड करते हैं कि आप किसी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स में चले जाएँ, जो चैरिटी, जो किसी ट्रस्टी हॉस्पिटल में चले जाएं। तो हम उनको क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स करते हैं कि किसी ट्रस्टी हॉस्पिटल में चले जाएं। तो इसमें भी हम उनकी क्या कर रहे हैं कि उनको अवेयर कर रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं उनको, ताकि उनकी हेल्थ क्या हो जाए, प्रमोटिंग हेल्थ हो जाए। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी प्रमोटिंग हेल्थ। तो नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट में हमारा है प्रिवेंटिंग इलनेस। तो एक नर्स जो है वो इलनेस को किस तरह से प्रिवेंट करेगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इलनेस प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ आर टू रिड्यूस द रिस्क फॉर इलनेस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने रिस्क को कम करना है। रिस्क को किस तरह से कम करना है, एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स दी हुई उसने एजुकेशनल प्रोग्राम्स की और कम्युनिटी प्रोग्राम्स की। ओके, एजुकेशनल प्रोग्राम्स में इन एरियाज सच एज प्रीनेटल केयर फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, स्मोकिंग सेसेशन प्रोग्राम्स एंड स्ट्रेस रिडक्शन सेमिनार्स। अब उन एरियाज़ में जाना है जहाँ पे प्रेग्नेंट वूमेन्स है और प्रीनेटल केयर, वो प्रेग्नेंट वूमेन क्या कर सके, प्रीनेटल केयर कर सके, ताकि जो उनकी बेबी की डिलीवरी है वो जल्द नहीं हो जाए। मतलब कि 9 मंथ में होती है ना, तो बेबी क्या हो जाता है कि 8 मंथ और 7 मंथ में ही डिलीवर हो जाता है। तो इस तरह से प्री मिच्योर डेथ हो जाती है बेबी की, तो हमने उनको एजुकेशन देनी है। स्मोकिंग सेसेशन प्रोग्राम, सेसेशन होता है कि स्मोकिंग ख़त्म करना, ठीक है। हमने ऊपर बात की थी कि टू रिड्यूस द रिस्क, स्मोकिंग सेसेशन प्रोग्राम्स कि आपने क्या करना है कि स्मोकिंग को ख़त्म कर देना। एंड स्ट्रेस रिडक्शन सेमिनार्स, और स्ट्रेस रिडक्शन सेमिनार्स में क्या है कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ हम उनको सिखाएंगे कि आपने योगा करना है, योगा करना है, इसी तरह से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिक सुनना वगैरह, तो आपका क्या है स्ट्रेस क्या हो जाए, कम हो जाए। कम्युनिटी प्रोग्राम्स, कम्युनिटी प्रोग्राम्स से हमने जाके उनको इनक्रेज करना है कि आपने हेल्दी लाइफ स्टाइल परफॉर्म करना है, सच एज़ एरोबिक एक्सरसाइज क्लासेस। अरोबिक एक्सरसाइज क्लासेस उनको देनी है, सही है, या उनको कहना है कि अरोबिक एक्सरसाइज किया करें। ओके, एंड फिज़िकल फिटनेस प्रोग्राम्स, और फिज़िकल फिटनेस प्रोग्राम्स इसमें डिफरेंट एक्सरसाइज वगैरह आ जाती हैं फिज़िकल फिटनेस प्रोग्राम्स में। ओके स्टूडेंट्स, सही है। तो ये थी हमारी प्रिवेंटिंग इलनेस। तो चले नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में है हमारा रीस्टोरिंग हेल्थ। तो एक जो नर्स है वो किस तरह से पेशेंट की रीस्टोर हेल्थ करेगी, कि एक पेशेंट था वो पहले क्या था, हेल्दी था, अब वो क्या हो गया, इलनेस में आ गया, लेकिन अब उसको फिर से हेल्दी करना है, तो ये कैसे होगा, अब नर्स रीस्टोर हेल्थ करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज़ का पता होना चाहिए टू रिहैबिलिटेशन एंड टीचिंग ड्यूरिंग रिकवरी, ताकि हम रिहैबिलिटेशन के दौरान उसकी किस तरह से हमने रिकवरी करनी है और हमने टीचिंग किस तरह से उसकी करनी है। तो हमें डिटेक्शन ऑफ डिजीज़ का पता होना चाहिए, हमें डिजीज़ का पता होगा तो उसके मुताबिक टीचिंग करेंगे। तो स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट में, मॉनिटरिंग द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज़ टू कीप द प्लान ऑफ केयर रिस्पॉन्सिव टू द पेशेंट्स चेंजिंग स्टेटस। तो स्टूडेंट्स, साइन एंड सिम्टम्स SS के बारे में हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हमें किसी डिजीज़ की साइन एंड सिम्टम्स के बारे में पता चलेगा तो हमें पेशेंट के स्टेटस के बारे में पता चलेगा, तो उसके मुताबिक ही हम नेक्स्ट में जो स्टेप लेंगे, प्लान लेंगे, वो उसके मुताबिक लेंगे। प्रोवाइडिंग डायरेक्ट केयर ऑफ द पर्सन हु इज़ इल, एक पर्सन है वो इलनेस है, ठीक है, उसको तो उसको हम प्रोवाइडिंग डायरेक्ट करेंगे, केयर डायरेक्ट प्रोवाइड करेंगे।
उसमें क्या क्या इंक्लूड है, गिविंग फिजिकल केयर आ जाएगी, मेडिकेशंस देंगे उसको, डिफरेंट प्रोसीजर्स आ जाते हैं और ट्रीटमेंट्स वगैरह देंगे। इसी तरह से जो एक नर्स है वो कोलिब्रेट करेगी, नर्स रोल प्ले करती है एज अ कोलिब्रेटर। स्टूडेंट्स, कोलिब्रेटिंग क्या होता है? कोलिब्रेट ये होता है कि नर्स जो है जो दूसरे हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं उनके साथ मिलके पेशेंट की डिज़ीज़ के बारे में बताती है कि हमें नेक्स्ट में कौन सा स्टेप लेना चाहिए, क्या प्लान करना चाहिए ताकि जो पेशेंट है वो जल्द क्या हो सके, उसकी हेल्थ रिस्टोर हो सके। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया कोलिब्रेटिंग। डॉक्टर्स के साथ, नर्सिस के साथ बातचीत होती है कि नेक्स्ट में हमें कौन सा स्टेप लेना चाहिए कि पेशेंट को ये डिज़ीज़ है और कौन सी क्या प्लानिंग हमें करनी चाहिए। ओके स्टूडेंट, प्लानिंग, टीचिंग एंड कैरिंग आउट रिहेबिलिटेशंस फॉर इलनेस सच एज हार्ट अटैक्स। फॉर एग्जांपल, किसी को हार्ट अटैक्स है तो इसमें हमारी प्लानिंग्स क्या होगी, आर्थराइटिस है इसमें क्या होगी, स्ट्रोक्स में क्या होगी, आर्थराइटिस में क्या होगा, मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स होंगी। आर्थराइटिस क्या होता है? आर्थराइटिस ये होता है ना कि जो हमारे जॉइंट्स होती हैं उनमें स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो हम जॉइंट्स की मूवमेंट्स करवाएंगे, ये इससे क्या हो जाएगी, उसकी हेल्थ रिस्टोर हो जाएगी। स्ट्रोक्स में क्या होगा? स्ट्रोक्स में ज़्यादातर जो हमारा जो पार्ट अफेक्ट करता है वो ब्रेन अफेक्ट होता है ना, तो इसमें हम ऐसी एक्सरसाइज को कराएंगे जिसमें जो हमारा जो ब्रेन है वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके। हार्ट अटैक्स में, हार्ट अटैक्स में उसको क्या है कि स्ट्रेस फ्री एक्सरसाइज करवाएंगे, और इसी तरह से एरोबिक एक्सरसाइज आ जाएंगे इसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा रिस्टोरिंग हेल्थ। नेक्स्ट में चलते हैं, फैसिलिटेटिंग कोपिंग विद डिसएबिलिटी एंड डेथ। स्टूडेंट्स, एक्चुअली में इस स्टेज में क्या होता है कि जो पेशेंट होता है वो डेथ की तरफ चला जाता है लास्ट स्टेज में, तो हम उसे एक प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं, होस्पाइस प्रोग्राम। तो हम कहते हैं कि ये जो पेशेंट है, हमें पता होता है कि जो पेशेंट है उसने उसकी जो ज़िंदगी के वक्त हैं वो कम रह गए हैं, मतलब कुछ वीक्स के बाद, कुछ मंथ के बाद उसकी डेथ हो जाती है, हमें कंफर्म होता है कि इसने मर जाना है, अभी इसकी डेथ हो जानी है। लेकिन हम उसको एक ऐसी होस्पाइस प्रोग्राम्स देते हैं कि इसमें उसको एक कम्फर्टेबली इन्वायरमेंट दिया जाता है कि एक पेशेंट है उसने मर तो जाना है, लेकिन जो उसकी ज़िंदगी के लम्हात हैं, इम्पोर्टेंट लम्हात हैं, वो अच्छे से गुजारें, क्योंकि इसके पास ज़िंदगी बहुत कम होती है। तो होस्पाइस प्रोग्राम का यही मतलब होता है कि उसे हम कंफर्टेबली इन्वायरमेंट देते हैं कि उसकी ज़िंदगी के जो चंद वक्त रहेंगे वो अच्छे से गुजार लें। तो होस्पाइस प्रोग्राम के बारे में आपने याद रखना है। तो इम्पोर्टेंट इसमें यही था और तो कुछ भी नहीं है। तो नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट में हमारे पास है बेसिक ह्यूमन नीड्स। बेसिक ह्यूमन नीड्स स्टूडेंट्स वही है कि इंसान जिसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता, तो इन लाइंस में यही लिखा हुआ है। तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते विदाउट फुलफिलमेंट ऑफ दिस नीड्स, मतलब ये नीड्स हमारे पास नहीं होंगी तो हम लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते, इनके बगैर ज़िंदा भी नहीं रह सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, एयर के बगैर तो ज़िंदा नहीं रह सकते, वाटर के बगैर। तो इसके बारे में, इसके बाद हम पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसिक नीड्स। करेक्टरिस्टिक्स और बेसिक नीड्स क्या है? बेसिक नीड्स आर अप्रोक्सीमेटली सेम फॉर ऑल। जो बेसिक नीड्स होती हैं स्टूडेंट्स, वो अप्रोक्सीमेटली तकरीबन सब के लिए सेम होती हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच नीड इज डिफरेंट फॉर ईच पर्सन। इसमें जो है नीड की जो इम्पोर्टेंस है ये पर्सन पे डिपेंड करती है कि वो किस नीड को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ पर्सन होते हैं उनकी बेसिक जो नीड्स है वो ये होती है कि हम कार ले लें, ठीक है, कार, लेकिन उनके पास घर नहीं होता, तो वो जो क्या करते हैं कि इम्पोर्टेंस दे देते हैं कार को। और कुछ पर्सन कहते हैं कि हमने पहले अपना शेल्टर बनाना है, अपनी पनाह बनानी है, अपना घर बनाना है, ठीक है, तो फिर घर लेंगे फिर कार लेंगे। तो ये तो पर्सन पे डिपेंड करता है ना कि वो पहले कार लेता है या शेल्टर, अपना घर बनाता है। ऑल द बेसिक नीड्स आर इंटरकनेक्टेड एंड इंटरेक्टिव। ऑल जो बेसिक नीड्स हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं, तो वो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो उसके इसके बारे में एक थ्योरी भी है, जैसा कि मैंने ऑब्जेक्टिव्स में एक्सप्लेन किया था, बेसिक ह्यूमन नीड्स में हम एक थ्योरी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, थ्योरी